स्वागत है आपका प्रतिमा वेस्ट कुकिंग स्टाइल में। तो बेसन की बर्फी तो आपने बहुत बना के खाया होगा, तो आज हम बनाएंगे भुने हुए चना की बर्फी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ चना लिया है, चना को मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसको अब चलिए हम पीस लेते हैं। हम चना को डाल लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया भुना हुआ चना को, एक अच्छा सा पाउडर बना लिया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, मैं निकाल ले रहे हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के गर्म होते हैं, यहाँ पे हम 100 ग्राम घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे भुना हुआ बेसन ऐड कर लेंगे, भुना हुआ चना के बेसन। अब अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। अब गैस को मीडियम रखेंगे। घी में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसको अब हम लगातार ये चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ही इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसन को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। यहाँ पे बेसन हमारा भून चुका है, तो यहाँ पे अब गैस को बंद कर लेते हैं। अब इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। तो अब चलिए अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है, 250 ग्राम बेसन लिया था तो मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 200 ग्राम चीनी है, तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब एक उबाल आने का वेट करेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्फी में। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम चाशनी को पका लेंगे। तो यहाँ पर चाशनी हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम चाशनी ऐड करेंगे। अब अच्छे से चलाएंगे, गैस हमारा बंद है। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा बर्फी सेट होने के लिए रेडी हो जाए। और अच्छे से हम चाशनी को इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, अब बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये सेट होने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट करने के लिए एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, अच्छे से हाथ से चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसमें हम मिश्रण निकाल लेंगे। तो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है, तभी यहाँ पे हम बादाम से गार्निश कर लेंगे। अच्छे से हम चम्मच से इसमें सेट कर लेंगे। तो 1 घंटे के लिए इसको हम सेट होने के लिए अच्छे से रख देंगे। तो चलिए अब हम इसका पीसेस कट कर लेते हैं। बेसन की बर्फी हमारा रेडी है। अगर हमारा रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।